मतलब तुम्हारा बाहर बॉयफ्रेंड है और फिर तुम बोल रहे हो एक ही रूम में, मैं तो एक रूम बिस्तर पे छोड़ो एक रूम में ना आने दूँ। मैं यही बोलूँ भाई नहीं, हाथ जोड़ते हैं, आप हम लोग फ्रेंड रहेंगे बट हम रूम शेयर नहीं कर सकते, आपने बिस्तर के लिए अलाउड कर दिया, तो तुम्हारा कैसा रिलेशन है? एक लड़की और लड़के को भी देखते हैं, चाहे कितना भी बहुत अच्छा रहा हो रिलेशनशिप, बट जब एक बंदा है मेरा बॉयफ्रेंड तो मैं कैसे अलाउड कर दूंगी कि बिस्तर में आके आप लेट जाओ मेरे। आप प्रियंका चोपड़ा के बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हो? नहीं, उनका नाम नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट तुमने विकिपीडिया पे तो उनका ही नाम आगे शो कर रखा है कि प्रियंका चोपड़ा, प्रीति चोपड़ा कज़न, मनारा चोपड़ा। फिर आप बिग बॉस में जाने के बाद किसी ने ये बोल दिया प्रीति जैसी लग रही हो, तो तुमने मुद्दा उठा लिया। उसका मुद्दे का मतलब ही नहीं था। चीज़ें बोली जा रही है, विकी को टॉक्सिक बुलाया जा रहा है कि ये एक रेड फ्लैग है, और ये जैसे एक अपनी वाइफ से या कोई भी वुमन से बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं पोर्ट्रे हो रहा है बाहर। अंकिता थोड़ा सा अपने में रहती हैं, उनका अलग है, उनको लोगों में टाइम बांटना होता है तो वो बहुत कम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने बोला भी था कि मुझे तो मिल ही नहीं रहा जो मुझे चाहिए था। सोचा था कि शायद सना जाएगी, क्योंकि सना उस गेम के लिए थी नहीं। इनफैक्ट तेलगा भी नहीं है, तेलगा बोलता है मैं तेलगा मचा दूंगा, ये कर दूंगा, बट वो भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था इन दोनों में से कोई जाएगा, एक्सपेक्ट नहीं था मेरा। अक्सर कहा जाता है कि बिग बॉस में वही लोग सर्वाइव कर पाते हैं जो वायलेंस, अग्रेशन और माइंड गेम्स का सहारा लेते हैं, इसलिए शायद लोग जो सच में दिल से खेलते हैं और किसी के माइंड्स के साथ नहीं, वो थोड़ा जल्दी बाहर आ जाते हैं। वेल, जॉइनिंग मी टुडे फॉर अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्सेशन ऑन बॉलीवुड बबल इज सोनिया बंसल, हु इज आउट ऑफ द बिग बॉस 17 हाउस आफ्टर अ शॉर्ट बट स्वीट स्टिंट। हाय सोनिया, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है। सोनिया, जब एविक्शन का न्यूज़ बाहर आया था एंड व्हेन वी वॉच्ड द एपिसोड और हमें पता चला कि यू नो घर वालों के हाथ में छोड़ दिया गया था ये डिसीजन बॉटम टू के, आप और सना के बीच में इसे सिलेक्ट करने, फर्स्टली हमें तो बहुत अनफेयर लगा, पर्सनली मुझे अनफेयर लगा कि उनको नहीं डिसाइड करना चाहिए था, एंड सेकेंडली इट वॉज अ शॉक बिकॉज एवरी वन वॉज ईदर सेम कि सना या तहलका में से कोई बाहर होगा। जैसे आपने बोला, इनफैक्ट मुझे भी ऐसा ही लगा क्योंकि मैं उस गेम में बहुत अच्छा खेल रही थी। सबको पता था, क्योंकि जब आप अंदर रहते हो तो आपको पता चल जाता है कि किसकी पर्सनालिटी कैसी है। ज़रूरी नहीं था कि मैं डेली झगड़े ही पे ही आ जाऊँ। मैं हर इंसान को टाइम देती थी कि झगड़े से अच्छा है कि पहले हम उस चीज़ को डील कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम नेचुरल लाइफ में क्या करने की कोशिश करते हैं, हम तुरंत डायरेक्ट जाके फाइट करते हैं। नहीं ना, पहले हम सोचेंगे कि भाई इसको समझा के काम हो सकता है तो वो चीज़ें करेंगे, नहीं लगता है तो डेफिनेटली हमें उस चीज़ पे फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने मुद्दे पे भी रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो लोग ये समझ लेते हैं कि वो बहुत ऐवई है, उसको कुछ आता ही नहीं है। तो वो मैंने जैसे कि हमारे बहुत सारे लोग थे वहाँ पर जो ऐसी चीज़ें कर रहे थे कि नॉमिनेशन से बचना है तो शांत हो जाओ, तो मैं नहीं थी। मैंने सोच भी लिया था, गई थी तभी सोच लिया था, जितने दिन रहना है सिर उठा के जीना है। ऐसे नहीं कि हाँ नॉमिनेशन से बच जाए, मुझे लंबा खेलना है। टॉफ़ी किसको मिलेगी, क्या मिलेगी, वो तो आगे की बात, बट मुझे तो खेलना था, जैसी मेरी पर्सनालिटी में वैसे ही खेलना चाहती थी। बट यू नो, बात करें लास्ट के कुछ दिनों की, आई ऑल्सो सॉ कि सना का एक अलग ही अवतार और एक रूप दिखाई दे रहा था, बिकॉज पहले तो वो दिखी नहीं रही थी। उसके बाद आई सॉ इन एन एपिसोड जहाँ विकी जाके उनको बोल रहे थे कि तू ऐसे कर तू वैसे कर, और उनको इनडायरेक्टली ऐसा हिंट दे रहे थे कि अभी नॉमिनेशन में आ गई है तो तुझे बचना है। हाँ, वो लड़की के मैटर में बोलें तो बहुत अच्छी है, बट कुछ चीज़ें उसने 3 दिन के अंदर ऐसी की जिससे मेरा भी माइंड ख़राब हुआ। सेम बेड हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे और मैं बहुत क्लियर रहती हूँ कि मुझे बहुत क्लीन चीज़ें पसंद है, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी कर रही थी तो मैंने उसको बोला भी था। इनफैक्ट रात में उसने, विकी ने थोड़ा सा उसको बोला कि 3 दिन है टाइम, कुछ करो कुछ करो। तो एक बात बताओ, विकी ऐसा क्यों कर रहा था जब पता है 10-11 दिन में, 15 दिन में आपकी पर्सनालिटी सबको पता चल गया है कि कौन स्ट्रांग है कौन नहीं। तो मुझे उससे ज़्यादा मुझे विकी पे गुस्सा था। जब सलमान खान सर ने बोला भी था तब भी मैंने उसी को बुलाया और मैंने बोला भी था कि आप ऐसी चीज़ें मत करो, ठीक है आप गाइड कर सकते हो कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, बट जो इंसान शांत है, जो कुछ कर नहीं पाएगा, उसको आप पंप मार रहे हो कि जाओ झगड़ा करो, तो वो मुझे उनका नहीं नेचर अच्छा लगा। और वो लड़की अपनी जगह थोड़ा सा थी, उसको ऐसा लग रहा था गेम में, मुझे ऐसा लगता है गेम में क्या करोगे तो आपको आके आराम से वकीलियात करना चाहिए जिस चीज़ में आपको दिलचस्पी है।
वही मैंने सोचा था कि शायद सना जाएगी, क्योंकि सना उस गेम के लिए थी नहीं। इनफैक्ट तेलगा भी नहीं है, तेलगा बोलता है मैं तेलगा मचा दूंगा, ये कर दूंगा, बट वो भी कुछ नहीं नहीं। है। हाँ तो मुझे ऐसा लग रहा था इन दोनों में से कोई जाएगा, एक्सपेक्ट नहीं था मेरा, क्योंकि आपको खुद ही पता चल जाता है। हाँ मैं देख भी रहे हो, मैं खुश थी। मैं इनफैक्ट मैंने 3 दिन से झगड़ा भी नहीं किया था। ऐश्वर्या मेरे से झगड़ा भी करने आई, तब भी मैंने बोला, मैंने कहा बाद में बताऊंगी तुझे, मैं समझाने पर लगी हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक ह्यूमन नेचर है तो आपको उसी तरीके से प्रेटेंट करना चाहिए। मेरा भी ऐसा ही है, मैं पहले समझाऊंगी, जब मुझे नहीं लगेगा तो मैं उस पर चार्ज हो जाऊंगी। तो मैं कितने भी मेरे फाइट हुआ है, अभिषेक का भी ऐसा ही था, मैंने उसको बोला शांत होके बात करो, बट वो ऐसा ही हूँ। फिर मैंने कहा ऐसे नहीं चल पाएगा, किसी लड़की को आप दबा नहीं सकते और मेरी जैसी पर्सनैलिटी को तो बिल्कुल भी नहीं। तो वही मेरा था कि मैं उतने झगड़े से पहले मैं कन्विंस करती थी, नहीं मानता था तो फिर मैं चार्ज होती थी। आपकी एक स्टेटमेंट अबाउट मुनावर, वो बहुत ज्यादा अभी वायरल हो गई है। आई थिंक वो थोड़ी सी लोगों ने मिस जज कर ली है। आपने कहा कि एक आप हमेशा उनसे डिस्टेंस बना के रखते थे, बट एक बार कुछ हाथ पकड़ने की चीज हो हाँ, गई थी। वो पता नहीं लाइव में दिखाया कि नहीं, ऐसे ही मुनावर काम को करने आया था, तो मेरा उनसे डिस्टेंस का बातचीत है, क्योंकि मेरा सबसे ही था, या तो मेरे भाई थे जिनको मैं बात कर रही थी, और या फिर मुनावर भी आया, तो ऐसा नहीं मेरे उनसे कोई पर्सनली कुछ ऐसा था। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं आपके हाथ पकड़ के बात नहीं करती हूँ तो आपको भी मेरे डिस्टेंस से बात करना चाहिए। तो वही मैंने बोला, मैंने कहा आप पहले तो हाथ छोड़िए और आप डिस्टेंस से बात कीजिए मुझे। तो फिर वो बोलने लगा, नहीं तुमने रात में मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया। मैंने कहा देखो मुनावर, मैं आपको ये नहीं बोल रही, बट मेरा ऐसा है आपके साथ में, आप मुझसे डिस्टेंस से बात करो। तो वही लोगों को ऐसा लगा कि नहीं क्या हो गया, बट वो ऐसा ही था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था और मैंने छोड़ने के लिए बोला कि आप मुझसे दूर से बात करो, क्योंकि मैंने उतनी आपको नहीं बोल रखा कि आप मेरे से हाथ से बात करो, गले में हाथ डाल के बात करो। वही था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। देखा जा रहा है अंदर, जैसे आपकी मनारा के साथ भी एक फाइट हुई थी। मनारा की पर्सनालिटी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है बाहर, क्योंकि एक तो वो हर चीज में या तो चिल्लाने लग जाती है या रोने लग जाती है। या आप आई एम श्योर अंदर से तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, बट डू यू ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं वो मुनावर का एक साथ लेके आगे बढ़ना चाह रही है? क्योंकि हमारे उसमें ऐसा हो गया था, क्योंकि जैसे मजाक करते हैं तो कौन स्ट्रांग है, हाँ तो मुनावर का दिखा गया कि अरे ये तो है ना पीछे से प्लानिंग करता है, बहुत सातिर आदमी है। उसने पहले तो लोगों के दिमाग में ऐसा था कि वो बहुत दिमाग की ऐसी ही है, ऐवई है। तो लोगों ने क्या किया, जैसे कि इनफैक्ट मैं समझाने पे आई, अंकिता ने बोला देख तू है ना समझा उसको, वो ऐसी थोड़ा शांत वैसी लड़की है। तो इनफैक्ट मैंने 3 बार उसको समझाया, बैठ के भी समझाया, वो नहीं हुई तो मुझे चार्ज होना पड़ा यार, मैं उतनी भी नहीं हूँ। एक टेलीविजन पे तुम पागल बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो मुझे। तो मैंने कहा भाई अब नहीं सुनूंगी, मेरी एजुकेशन एजुकेशन तुम्हारी यहाँ काम देगी, वहाँ बिग बॉस में काम नहीं दे रही एजुकेशन। तो इस तरीके से उसने बात किया तो मेरा भी ऐसा हो गया। फिर मैंने देखा उसको, नोटिस किया, क्योंकि मैं हर इंसान पर नोटिस करती हूँ कि वो जगह जगह जाके पहले तो सबके बारे में जानने की कोशिश करी। जैसे कि हमारे बिग बॉस में उसके लिए छवि स्टार्टिंग में आई कि वो बहुत ज्यादा दिमाग से ऐसी है, शांत है, ऐसी है। एक दिन रात में भी आके बोलती है मुनावर मुझसे बात नहीं करता। मैंने कहा यार मुनावर में क्या है, हमारे 15 15 लोग हैं, 15 16 लोग, मुनावर ही क्यों चाहिए, बात करो ना सबसे। नहीं फिर भी मुनावर। तो मेरे 2 4 बार एक लड़की का बारे में, लड़का बार बार ऐसी, लड़की बार बार बात कर रही है, तो मुझे ऐसा लगा कुछ तो बातचीत है। तो मैंने मुनावर को भी बोला, मैंने कहा बात क्यों नहीं कर रहे हो मेरे को, देखो उसने 5 5.5 जने 8 8.5 मिनट ही दिए, मुझसे बात नहीं किया। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा उससे बात करना चाहती है। तो फिर पता चला कि दोनों बात करने लगे, तो मैंने कहा शायद इसने इसलिए पकड़ा कि स्ट्रांग है, इसके सहारे में चल जाऊंगी। तो फिर मैंने मनारा को बोला भी, मैंने कहा मनारा तुम ऐसे जो दिखा रही हो ना पर्सनैलिटी, वो नहीं हो, ये रात में आई थी। मैंने बोला, मैंने कहा तुम यहाँ से बहुत स्ट्रांग वाली लड़कियाँ, इंडस्ट्री की लड़कियाँ दिमाग से यहाँ से ऐसी नहीं होती, बहुत स्मार्ट होती हैं, शायद उनकी पर्सनैलिटी ऐसे दिखावा नहीं, बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोग जज ऐसा कर लेते हैं कि नहीं ये ऐसी है वैसी है, बट यहाँ से स्ट्रांग होती है। तो वही मैंने बोला, मैंने शायद उससे बोल रहे थे राइडर से, तो राइडर ने जाके अलग बोल दिया कि देखा वो लड़की बोल रही थी ऐसा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने तो मुंह पे भी बोला था कि भाई तुम दिमाग से ऐसी नहीं हो, तुम प्रेजेंट कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी शायद ऐसी होगी, बॉडी लैंग्वेज ऐसा है।
किसी किसी का बॉडी लैंग्वेज होता है कि नहीं ऐसे ऐसे बात करने का, तो शायद ऐसा होगा. तो उसका वो दिमाग से बहुत स्ट्रांग है. एक बात बताओ, आप प्रियंका चोपड़ा के बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हो, नहीं उनका नाम नहीं आना चाहिए? इनफैक्ट तुमने विकिपीडिया पे तो उनका ही नाम आगे शो कर रखा है कि प्रियंका चोपड़ा, प्रीति चोपड़ा कजन, मतलब सिस्टर, मनारा चोपड़ा. फिर आप बिग बॉस में जाने के बाद किसी ने ये बोल दिया प्रीति जैसी लग रही हो, तो तुमने मुद्दा उठा लिया. उसका मुद्दे का मतलब ही नहीं था जब तुमने खुद ही डलवा रहे हो. तो फिर आप देखो कि विकिपीडिया पे उसका ऐसे ही डला हुआ है, तो फिर डरना किस बात पे था कि मुझे ऐसा छुप के जाना है, वैसे जाना है? नहीं, वो दिखा हुआ था. जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सब छुपाना है, मैं तो सब कटवा दूंगी वहां पर. आप लोग आते हो तो हम, मतलब कोई ऐसे रीजन से ही आते हो ना, आप लोग खुद से थोड़ी ना छाप देते हो. तो ऐसे ही था उसका, वो जो कर रही थी नाटक वहां पर. तो मुझे लगा कि ये सब चीजों से अच्छा है अपनी पर्सनैलिटी दिखाओ, जो आप हो, रो के दिखाना, ये दिखाना, वो दिखाना. तुरंत आप हर इंसान के लिए बहुत प्यारे हो जाते हो, फिर अचानक दुश्मन हो जाते हो. अंकिता के साथ भी ऐसा हुआ कि अंकिता के साथ पहले बहुत अच्छे से थी, फिर अचानक झगड़ा करने लगी. तो उसको ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे प्यार भी चाहिए इसमें, तकरार भी चाहिए. तो वो कहते नहीं, गेम के लिए जो भी कर रहे हैं. गेम के लिए और एक आई थिंक जो मेरे दिमाग में नाम आ रहा है, जो बहुत ही ज्यादा लग रहा है ऐसा कि गेम खेल रहे हैं, वो है विक्की जैन. उनको नाम भी मिल गया विक्की भैया का. विक्की भैया का, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं झगड़ा तो क्या करूँगा, सब लोगों का पहले दिमाग पढ़ता हूँ, फिर सबके दिमाग में, अब दस आप एक एक दो दो घंटे किसी के साथ बिता रहे हो तो लोग यही सोचेंगे ना कि आप मेरे फ्रेंड ही हो, तो आपको नॉमिनेशन में नहीं डालेंगे. और आपको खुद पता चल गया नॉमिनेशन में मैं तो नहीं आऊँगा, तो वो गेम ही है, उनका भी एक गेम का पार्ट है. बट मुझे ऐसा लगता है ठीक है आप गेम खेल रहे हो, अच्छा है, बट जो ऑलरेडी बिल्कुल शांत टाइप के हैं उनकी पर्सनैलिटी को ख़राब मत करो. आप मुझे बोलोगे तो मैं ऐसी हूँ, तो मैं स्टार्टिंग से ऐसी थी, शायद आपने मेरे को नहीं बोल पाए क्योंकि मैं ऐसी ही थी. मैं किसी से भी बिना मुद्दे के नहीं बात करूँगी, बट मुद्दा होगा तो मैं वहीं खड़ी दिखाई दूंगी. तो विक्की का ये मुझे शायद, मैंने बोला भी था उनको, मैंने कहा ऐसा मत करो, सना ऐसी लड़की नहीं है जिस तरीके से आप कह रहे मेरी फ्रेंड है तो मेरे से राह पूछेगी तो मैं बताऊँगा. मैंने गलत बताऊँगी कि जाके कुएं में गिर जाऊँ, तो ऐसे मत बोलो. तो वही था विक्की का ऐसे ही गेम प्लानिंग. और पर एज अ वुमन योरसेल्फ सोनिया, आपको कितना अनफेयर लग रहा है कि जिस हिसाब से विक्की और अंकिता के अंदर झगड़े हो रहे हैं और बाहर तरह तरह के उनको चीज़ें बोली जा रही है, विक्की को टॉक्सिक बुलाया जा रहा है कि ये एक रेड फ्लैग है, और ये जैसे एक अपनी वाइफ से या कोई भी वुमन से बात कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं पोर्ट्रे हो रहा है बाहर. क्योंकि वो क्या करते हैं, अंकिता थोड़ा सा अपने में रहती हैं, उनका अलग है, उनको लोगों में टाइम बांटना होता है तो वो बहुत कम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं. इनफैक्ट उन्होंने बोला भी था कि मुझे तो मिल ही नहीं रहा जो मुझे चाहिए था. तो उन्होंने बोला मैं तो सारी चीज़ें थी, बताओ एक लड़की के लिए लड़का करता ही है ना, वो तो उसका फ़र्ज है जो करेगा. तो ऐसी चीज़ें वो लोग, देखो आई डोंट नो, उनका दिल वाला रूम मेरे से दूर था तो मुझे उतना उनके बारे में नहीं समझ में आया, बट मुझे विक्की भैया के बारे में समझ में आ गया कि वो गेम में कुछ भी करेंगे. और बहुत सारे ब्लेम्स थे बिग बॉस और सलमान के भी ऊपर कि ये बायस्ड है, ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ यू नो बात या कम्युनिकेट कर रहे हैं. बट हमें एज एन ऑडियंस मेंबर बाहर से लगा कि जो लोग एक्चुअली दिख रहे थे उनके साथ सलमान कम्युनिकेट कर रहे थे, और बिग बॉस ने तो कहा ही है इस बार मैं बायस्ड हूँ. सलमान सर के आपने देखा है, उनको बोला जाता है बात करने के लिए, तो सलमान सर को जो बोलेगा वही बात करना है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उनके चैनल वाले हैं, जो भी हैं, हमारे इतने मुद्दे हुए थे उसमें, बहुत सारे मुद्दे हुए जितनी शायद हमारी गाली भी निकल गई थी मुझसे, तो वो तो एक भी जिक्र नहीं आया कि झगड़े हुए क्यों थे. और छोटी छोटी बात पर उन लोगों के बारे में पूछा जा रहा था, ठीक है, मैंने कहा शायद उन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सलमान सर उनके बारे में बात करें, तो इट्स ओके. मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं सोच के गई थी कि सलमान सर मेरी गलतियां निकालेंगे या फिर लोग मेरे बारे में बोलेंगे तभी मैं खेलूंगी. मैं खेल रही थी, ऑडियंस को पसंद आ रहा था, तो बस मेरे लिए वही था. एक और थोड़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज़ हुई आपके निकलने के तुरंत बाद,
जो अभी हम लोग को देखने में बहुत फनी और स्क्रिप्टेड लग रहा है, विच इज समर्थ की एंट्री. बहुत फनी है. एंड पहले एक तो ईशा का कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि निकलने से जब उन्होंने हमें भी इंटरव्यू दिया था हमारे वेबसाइट को, तब उन्होंने यही बोला था, नहीं अभिषेक को मैं कभी डेट नहीं किया, और फिर जाते ही कट्टू पलट गई वो स्टेज पे. मुझे लगता है पहले तो एज का बहुत कम है, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जैसे ही किसी के दिल में और दिमाग में छवि बैठाओगे, वैसे ही आपके बारे में प्रेजेंट होने वाली है. एक ही गेम के चक्कर में तुम अपनी पर्सनालिटी को गिरा दोगे तो आगे क्या करोगे. तो मुझे ऐसा लग रहा है उसको बचपना है, उसके फैमिली को गाइड करना चाहिए. और दूसरा, जो गेम लेके गए हैं वो अंदर, क्योंकि मैंने एक स्टोरी में देखा था, समर्थ जो अभी गया है वो पहले से ही उसका न्यूज में चल रहा था. तो एक बात बता दो, जब आपको पहले से ही पता था कि मैं जा रहा हूँ, और या जब बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड को भी पता होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पता होगा, तब तुमने कभी जिक्र ही नहीं किया. पहले तुमने अपना प्यार बनाया कि तुम प्यार नहीं करते हो, तुम कभी क्लियर नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारा आशिक बन गया है. फिर अचानक एक एंट्री हो जाती है, उसमें वो झूठी ये वकार जो भी बोलता है, तो वो एक समझ में नहीं आया, कन्फ्यूजन हो गया. मैंने कहा ये तीनों के तीनों गेम क्या खेल रहे हैं, ये सोच के गए कि ये इस वाले ट्रैक को लेके जाएंगे, एक आशिक फिर दूसरा आशिक, एक गर्ल मतलब लड़की है. मैंने कहा फिर तो मतलब अलग ही है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, लड़की के लिए झगड़ा करने आए हो क्या? लड़की के लिए झगड़ा करना था तो बाहर कर लेते, अंदर अंदर ही जाके क्यों करना था, तो वो अलग ही ट्रैक है. बिल्कुल. बट चलो ये तो मैं एक तरीके से, जैसे आपने बोला एज है, इमैच्योरिटी है, शी इज 19, तो हाँ, वो हो सकता दो तीनों में ही है. हाँ तीनों में ही है एक्चुअली. हाँ बट बहुत बड़े बड़े उन्होंने यू नो एलिगेशंस लगाए हैं अभिषेक पे. वन ऑफ द बिगेस्ट इज फिजिकल वायलेंस का. नाउ एज द वुमेन ऑफ इंडिया, आपको भी पता है कि इंडिया में कितनी औरतों के साथ सच में ये होता है, घर पे शायद रोज होता होगा, और वो कुछ बोल नहीं पाती है. तो जब आप इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हो, और कट्टू आप नेक्स्ट डे जाके उन्हीं के साथ बात कर रहे हो, उन्हें एक मिनट में माफ कर रहे हो, तो ये कितना अनफेयर लगता है. अनफेयर एक्चुअली में वही एक दिन का ही बिग बॉस ने बोला था कि अभिषेक बात नहीं करेगा किसी से, और वो कंटिन्यू बात कर रही थी उससे. आपने देखा पहले बैठ जाती थी, उसके पीछे पीछे थी, इनफैक्ट उसने जगह जगह जाके बात भी किया, इनफैक्ट उसको दंड भी मिला था, मतलब बोला भी था कि आपने बात नहीं माना, हमने एक दिन के लिए क्या बोले, तो तुम अब एक काम करो एक ही रूम में हो जाओ. तो वो एक रूम में दोनों को, हाँ हाँ ठीक है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तुम्हारा बाहर बॉयफ्रेंड है और फिर तुम बोल रहे हो एक ही रूम में, मैं तो एक बिस्तर पर छोड़ो एक रूम में ना आने दूँ. मैं ये बोलूँ भाई नहीं, हाथ जोड़ते हैं, हम लोग फ्रेंड रहेंगे बट हम रूम शेयर नहीं कर सकते, आपने बिस्तर के लिए अलाउड कर दिया, तो तुम्हारा कैसा रिलेशन है, मतलब एक लॉजिक नहीं आ रहा उसमें समझ में. एक लड़की और लड़के को भी देखते हैं, चाहे कितना भी बहुत अच्छा रहा हो रिलेशनशिप, बट जब एक बंदा है मेरा बॉयफ्रेंड, तो मैं कैसे अलाउड कर दूंगी कि बिस्तर में आके आप लेट जाओ मेरे, तो वो लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा था. इनफैक्ट मुझे तो बोलना चाहिए कि फैमिली को गाइड करने की जरूरत है. बिल्कुल बिल्कुल. बट लसी यू नो सोनिया, जितने दो कपल्स जो हुए, अब मैं तीन बोलूंगी क्योंकि ईशा और समर्थ भी अब एक कपल है, तो आपको लगता है कपल्स को एक अनफेयर एडवांटेज है एज यू नो अगेंस्ट सिंगल्स? हाँ ऐसा है, क्योंकि देखो वो घर ऐसा है कि हम लोग अकेले होते हैं और अकेले लोग आपस में ही बातें करते रहते हैं, तो उसमें टाइम निकालना बड़ा ईजी है. और फिर दूसरा भी कपल आपस में बात कर रहा है, तो उनके लिए बहुत इजी है. तब भी बहुत सारे इजी होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं. वो अपने अपने में इतना लगे होते हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस मतलब बोलते नहीं कि एक आसान भी है और एक डिफ़िकल्ट भी है. जैसे ही मैं सिंगल गई हूँ तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे इन्जॉय करना होता है. मैं खुद भी डांस वांस करती रहती हूँ, अपने में इन्जॉय करती रहती हूँ. बट कोई मेरे साथ में भी होता तब भी मैं अपने मुद्दे पे रहती, ऐसा नहीं कि दब जाओ. जैसे कि ऐश्वर्या कहीं ना कहीं दबती है, आई डोंट नो वो क्यों दब रही है, आप अपनी निकाल के लेके आओ ना. आप उसमें लड़ रहे थे खतरों के खिलाड़ी में, जैसे हम लोग देख रहे थे, बट उसके बाद बिग बॉस में जाने के बाद आपके पास मुद्दे ही नहीं है, बस सोनिया बंसल की नकल उतारना है. लास्टली अगर आपको वापस अंदर जाने का मौका मिले, बिकॉज वी वुड ऑल लव टू वॉच यू इनसाइड द हाउस, जैसे मैंने बोला कि यू नो मे बी आप अगर दो यहाँ इस हफ्ते टिक जाती तो आप बहुत आगे तक जाती, क्योंकि आपकी
कोई स्ट्रैटेजी या कोई ऐसे माइंड गेम्स थी नहीं जो हमें तो नहीं दिखी 2 हफ्तों में, तो आप वापस अंदर जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स जाना चाहूंगी। कुछ लोग हैं जो अपनी पर्सनालिटी को निकाल के नहीं लेके आ पा रहे। मैं रहूं ना रहूं, मैं यही सोचूंगी कि जब मैं 1 हफ्ता या 2 हफ्ते भी रही तो जो सो रहे हैं, जैसे जिगना पीछे से सोचती है कि मैं बहुत बहुत बोल्ड और वैसी हूँ, तो कहाँ गया तुम्हारा दम, तो दम लेके आओ। और जो सो रहे हैं उनको डेफिनेटली बोलूंगी अब सोने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। अरे वाह, वेल वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग यू अगेन इनसाइड द हाउस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, दिस इज सोनिया बंसल, आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल।